हजार एक है। जोर से मारिएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं धनंजय और आप देख रहे हैं डेली ट्रेवल हैक। दोस्तों, काफ़ी अरसे के बाद आज मैं एक आप लोगों के लिए ट्रेन जर्नी करने वाला हूं। ट्रेन का नंबर है 02568, राज्य रानी स्टेट क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। ये हर दिन पटना से 12:30 बजे निकलती है और सहरसा 4:30 बजे पहुँचा देती है। इस ट्रेन की खासियत यह है कि हमेशा टाइमली रहती है, संडे के दिन भी चलती है। सिर्फ 5 स्टॉप में बख्तियारपुर, मोकामा, बेगूसराय, खगड़िया, मानसी के बाद सीधे सहरसा को रुकती है। इसका जो एवरेज स्पीड है वो 55 किलोमीटर पर आवर है। टोटल डिस्टेंस 215 किलोमीटर कवर करती है। सुबह में ये सहरसा से आती है और यही ट्रेन 12:30 बजे यहाँ से लौट जाती है। अभी जो पटना जंक्शन की आप हालत देखोगे इस पे, तो आपको कोई भी नहीं दिखेगा, पूरा खाली है, क्योंकि एंट्री ही नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। आपके पास अगर टिकट नहीं है तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। टिकट बाजाबता चेक किया जाता है। मेरे पास टिकट था तो मैं ये जर्नी कर रहा हूँ और दिखाता हूँ कोरोना काल के बाद। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, फ्लाइट जर्नी तो आपने देखा ही है। अब एक ट्रेन जर्नी से शुरुआत करते हैं और इसके बाद आगे भी आपको बहुत सारी ट्रेन जर्नी देखने को मिलेगी। अभी हम आ गए हैं पटना जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। 02568 पटना सहरसा राजरानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर खड़ी है। राजरानी ट्रेन आ गई है प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। मैं अभी जाऊंगा। मेरा कंपार्टमेंट नंबर है D3 और सीट नंबर है 66। अभी वहां चलते हैं, लगेज को एटलीस्ट रख देते हैं, फिर स्टेशन के कुछ नज़ारे आपको दिखाता हूं। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे टिकट चेकिंग हो रही है ज़ोरदार, तो बिना टिकट वाले थोड़ा संभल के ही चलना। बहुत दिन हो गए किसी का लोकोमोटिव दिखाए हुए, तो इसका लोकोमोटिव दिखाने जा रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है अभी इसका लोकोमोटिव आया ही नहीं है। अभी इसका कपलिंग भी दिखाया जाएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लोकोमोटिव आ रही है। आपके लिए अच्छी खबर, अभी इसका कपलिंग भी आपको देखने को मिलेगा। लोकोमोटिव आ रही है। अभी इसको थोड़ा खींच के देखा जाएगा। यस, सक्सेस हो गया। यह है 2S जिसका कॉस्ट है बेगूसराय तक, पटना से बेगूसराय तक 100 रुपीज़, और एक रो में 4 लोग बैठते हैं। बाथरूम की हालत उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन बेसिन वगैरह ठीक दिख रहा है। LHP कोच है तो, और भीड़ भी उतना नहीं है। देखिए सैनिटाइज हुआ जा रहा है, बहुत बढ़िया, बच्चे लोग सब सैनिटाइज किए जा रहे हैं। 2S में था मेरा टिकट कंफर्म, लेकिन मैं अभी जा रहा हूँ चेयर कार में। देखते हैं जो एक्सपीरियंस रहेगा बताऊँगा। अभी थोड़ा डिस्टेंस है और सुरक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए मैंने इसको अपग्रेड करा के AC में आ गया। चलिए अभी जर्नी को एंजॉय किया जाएगा। इसको खोल के आप यहाँ रख सकते हैं ट्रे, कुछ रख के खा सकते हैं अगर आपका मन है तो। यहाँ पानी की बोतल रख सकते हैं लेग को आराम देने के लिए। लेग स्पेस देखिए कितना बड़ा है, सीट भी काफ़ी कंफर्ट है, और कुछ इस तरह से दिखता है राज्य रानी का AC कोच। अगर आपको लाइट जलानी है तो यहाँ से आप लाइट जला सकते हो। यहाँ पे फायर सेफ्टी भी रखा हुआ है, और ये कचरे का पेटी भी है, आप उठा के इसमें कचरा डाल सकते हो। अपनी ट्रेन अभी पटना जंक्शन से निकल गई है। दिखाता हूँ आपको पटना का एग्जिट। बाय बाय पटना जंक्शन। Thank you.
गाड़ी का यहाँ पे। गाड़ी को स्लो किया गया, हो सकता है गाड़ी रुक भी जाए। गाड़ी स्लो हो रही है, किसी भी अनऑथराइज्ड लोगों को स्टेशन पे घुसने नहीं दिया जा रहा है। देखो कोई भी आपको नहीं दिखेगा, पूरा खाली पड़ा हुआ है, गाड़ी नहीं रुकेगी जहाँ तक मुझे लगता है। इस पुल से हम कितनी बार ऊपर से गए हैं, कॉलेज ऑफ कॉमर्स इसके जस्ट सामने में ही है। देखिए बख्तियारपुर जंक्शन पे चढ़ने वाले लोग हैं काफ़ी सारी, देखते हैं। यहाँ पे मुझे लगता है उतना रोक टोक नहीं है, कोई भी लोग घुस सकते हैं। दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं बख्तियारपुर जंक्शन। टोटल 45 किलोमीटर ये ट्रेन कवर कर चुकी है। पहला स्टॉप बख्तियारपुर, 2 मिनट का स्टॉप है यहाँ पे। मैं आपको एक हादसा बताने वाला था। तो ये ट्रेन मार्च 2012 में स्टार्ट हुई थी और 2013 अगस्त में एक हादसा हो गया था। इस ट्रेन से 37 लोग कट के मर गए थे, जो गंगा नदी में कुछ स्नान था मानसी रेलखंड के पास। और उस हादसे के बाद हुआ ये था कि इस ट्रेन को जला दिया गया था। इसके जो लोकोमोटिव के पायलट थे उनको जान से हाथ धोना पड़ा था, लोगों ने पीट पीट कर उनको मार दिया था। तो ये एक दर्दनाक हादसा था इसके साथ और इसके लोको पायलट के साथ। 37 लोगों की जान चली गई थी और तब के रेल मिनिस्टर ने 5-5 लाख रुपए मुआवजा का ऐलान किया था। दूसरी चीज़, इस ट्रेन के कोच पोजीशन को बता देता हूँ। इसमें 3 चेयर कार हैं और 17 सेकेंड सीटिंग है जिसमें आप टिकट लेके ही चढ़ सकते हो। देखिए ग्रीन सिग्नल दिख रहा होगा आपको। Thank you.
अभी हम पहुंच गए हैं मोकामा जंक्शन। यहाँ पे गाड़ी का 2 मिनट का होल्ट है। इसके बाद का जो नज़ारा अभी आने वाला है, टाल को होते हुए राजेंद्र ब्रिज, जिसका मैंने ब्लॉग बनाया था नीचे से, लेकिन वहाँ जो साउंड आती है उस साउंड को आप सुनोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। तो मैं उस ब्रिज को कवर करने वाला हूँ इसके बाद, और उसके बाद अगर बरौनी में गाड़ी स्लो हुई तो मैं उतर जाऊँगा, क्योंकि मुझे बरौनी तक ही जाना है। बेगूसराय अगर नहीं रुकी तो हम बेगूसराय तक चले जाएँगे। मोकामा से ट्रेन हमारी खुल गई है, अभी राजेंद्र ब्रिज क्रॉस करेंगे टाल घाट को देखते हुए। ये जो आप देख रहे हो ना, ये इसको टाल क्षेत्र बोलते हैं, टाल कटोरा। ये कितना हजार एकड़ ज़मीन है जो पानी में डूब जाती है हर साल, और फसल को काफ़ी नुकसान होती है, किसान एक ही फसल यहाँ पे उगा पाता है। ये जस्ट आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ। अभी देखिए वो पुल आएगा, मैं आपको हथीदा जंक्शन का वीडियो दिखाया था, नीचे से दिखाया था, और अभी देखो मैं आपको ऊपर से उसका व्यू दिखाऊँगा। ये हथीदा जंक्शन अपर है, और नीचे वाला नज़ारे देखो आप, ऊपर से देखो, ये हथीदा जंक्शन है। और यहाँ मुझे थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा, क्योंकि ये जो ब्रिज अभी आ रही है ना, यहाँ पे लोग छुपे हुए रहते हैं और आपके हाथ से मोबाइल छीन लेते हैं, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही है। यहाँ से गढ़हरा यार्ड चालू हो गया। जो गढ़हरा यार्ड के बारे में किसी को कोई सुध नहीं पड़ी हुई है, यहाँ कुछ फैक्ट्रियाँ रेलवे के द्वारा लगाई जा सकती, लेकिन ऐसा कुछ भी काम नहीं हुआ। एक टाइम था गढ़हरा यार्ड, एशिया में इसका नाम था इस यार्ड का, लेकिन अभी कोई नहीं देखने वाला है। ये सब ज़मीन देखो आप, उस साइड जो देख रहे हो ना, ये सब यार्ड की ही ज़मीन है, रेलवे की ज़मीन है। लोगों से वो है सामने वाला, मालगाड़ी देखो लगी हुई है, डीजल और पेट्रोल अभी भी आता है यहाँ पे। मुझे जर्नी बरौनी तक ही करनी थी, अभी न्यू बरौनी के पास ये गाड़ी थोड़ी स्लो हो सकती है या रुक भी सकती है, तो मैं वहीं पे उतर जाऊंगा, इसलिए मैं इस जर्नी को यहीं पे एंड कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया होगा तो ज़रूर लाइक करना, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक मार के कमेंट करके बताना क्यों पसंद नहीं आया, और चैनल पे आ ही गए हो तो कर लो सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।